हो गए, अभी मॉस्को भी है 1 घंटा दूर यहाँ से, और अभी सब मैं रेडी हो गया हूँ, ऑलमोस्ट पैक 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 कर लिया मैं अपना, और मतलब आपको बेडशीट वो सब मिलता है, तो आपको ये सब सबमिट करना है मतलब जाने से पहले, तो ये सब सबमिट लिया मैंने, और अभी 1 घंटे में मॉस्को, फिर स्मोलेंस्क पहुँच जाएंगे वहाँ से, और अभी मॉस्को आ गया है, ये मेरा बैगेज, और ये 2 मिनट में आ जाएगा बस, और ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं ऑलमोस्ट। और एट लास्ट मॉस्को आ ही गए, मतलब ये चार दिन का जो जर्नी था एट लास्ट मतलब ख़त्म हो ही गया, बहुत ही मतलब मज़ा आया मुझे इस ट्रैवल में, जर्नी में, और अपना ट्रिप जो है ख़त्म हो गया, पर अपना बस ट्रिप ख़त्म हुआ है यहाँ पे, जर्नी अभी भी कंटिन्यू होगा, मतलब जर्नी मतलब अभी आपने रशिया में देखा मुझे ऐसे ही चेकिंग करते हुए ये कोई है, अभी आप देखोगे मुझे दूसरे कंट्रीज़ में कोई देखोगे बाद में, सब लोग मुझे पता नहीं मुस्लिम समझते हैं यहाँ पे, और ये मेरी ट्रेन पीछे, ये कंटिन्यू से 7 डेज से ट्रैवल करती थी ये ट्रेन, मतलब ये सीधे आती है व्लादिवोस्तोक से, और मतलब ये 7 डेज तक कंटिन्यू ट्रैवल करती है मॉस्को तक, साइबेरिया से जाती है ये और व्लादिवोस्तोक तक आती है, साइबेरिया व्लादिवोस्तोक से आती है ये और मॉस्को तक रुकती है, तो 7 डेज बहुत सारे टाइम जोन क्रॉस करती है ये ट्रेन, बहुत ही वंडरफुल है ये जर्नी, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप रशिया हो गए, और अगर विंटर्स में आप आते हो तो फिर बहुत ही अच्छा है ये एक्सपीरियंस, अभी विंटर्स में ट्रैवल नहीं किया मैंने, ये समर है एक्चुअली यहाँ पे, समर में भी अपना ही अलग मज़ा है यहाँ पे, और मुझे अभी जाना है एक्चुअली यहाँ पे अपने सिटी स्मोलेंस में, तो फिर यहाँ से अभी मुझे मेट्रो लेना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन साइड में ही यहाँ पे, जैसे मैं ट्रेन से बाहर निकला वहाँ पे राइट में मेट्रो स्टेशन है, वहाँ जाता मैं, और फिर वहाँ से वो वापस ट्रेन पकड़ना एक और स्मोलेंस के लिए, अराउंड 4 to 5 आवर्स का ट्रैवल होगा ये वापस, देखते भी और मैं कब से हीचाइक कर रहा था, मतलब ये जो मैं 7500 किलोमीटर ट्रैवल किया हीचाइक से किया, मतलब बहुत ही मज़ा आया मुझे, और मतलब ट्रेन कभी कभी ट्रेन का सफ़र भी लेना चाहिए, मतलब वो भी अच्छा होता है एक्चुअली आपके लिए, एक्चुअली मेट्रो में जाता हूँ मैं, और मतलब मॉस्को में मेरा एक्चुअली ट्रिप के बारे में मतलब 2nd या 3rd टाइम में आ रहा हूँ मॉस्को, मतलब आप कुछ भी करो आपको मतलब मॉस्को आना ही पड़ता है कुछ ना कुछ काम से, तो ये एज अ सेंटर है ये, मतलब मेरे को आना था नेसी नोगोरो, तो फिर मेरे को मॉस्को से होके आना ही पड़ा, ये देख सकते हो मतलब आप मॉस्को की ऊंची ऊंची इमारतें, ये 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ऐसी जो बिल्डिंग दिख रही है आपको ताजमहल जैसी, ऐसी मतलब 7 बिल्डिंग्स है और रशिया में आपको सेम टू सेम दिख जाएगी, 7 सिस्टर्स बोलते हैं शायद से मेरे हिसाब से। अभी मुझे जाना है स्मोलेंस एक्चुअली, और मैं आ गया हूँ बेलारूस की वोक्जाल पे, और यहाँ से मेरी ट्रेन है एक्चुअली अभी से 3 घंटे बाद है शायद से, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो मेरा रेलवे स्टेशन है वहाँ उस पर जल्दी आऊँ, मेरी हैबिट है 3-4 घंटे पहले आता हूँ या 2-3 घंटे पहले आता हूँ, मतलब उससे क्या होता है कि मतलब आप सेट हो जाता है आपका पूरा, मतलब एक मतलब आपका अगर कुछ पासवर्ड वासवर्ड तुम घर पर भूल गया आप फिर घर से वापस ला सकते हो इन केस ऐसा कुछ हो सकता है कभी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आना प्रेफर करता हूँ। मैं अभी बेलारूस के स्टेशन पे आ गया हूँ, आप भी देख सकते हो ये पीछे बेलारूस के लिए क्या है रूस्की में, और फिर मेरा ट्रेन आपका वो अब यहाँ पे आने के बाद मतलब सबसे पास मतलब जो एयरपोर्ट से होता है शहरों में तो एयरपोर्ट से शायद से बेलारूस की स्टेशन होता है, मतलब आप जब भी यहाँ पे आओगे तो फिर मतलब बेलारूस की से ट्रेन पकड़ना, मतलब जो नए यहाँ पे मतलब मॉस्को में नए आ रहे हैं उनको स्मोलेंस जा रहा है जहाँ भी जाना, मतलब मेरे को लगता है बेलारूस की सबसे पास में होगा, और यहाँ पे एक बोर्ड भी है, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो पहली बार तो फिर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बोर्ड भी है यहाँ पे, उस बोर्ड पे आप देख के मतलब आप अपना ट्रेन का नंबर देख के आप अपना मतलब कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही हो सब बताएगा आपको, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सामान मैं अपना हटा देता हूँ क्योंकि गाड़ी आ रही पीछे से, और अपना ट्रेन नंबर है 721 जो कि है 4 बजे लास्टोच का मॉस्को मिन्स्क, मतलब ये ट्रेन जो होगा पूरा बेलारूस तक जाएगा, पर अपने को स्मोलेंस में उतरना है, बेलारूस और स्मोलेंस दूर दूर नहीं है इतने, पास में ही है। मुझे अभी अंदर मत लाना। आपको मतलब? हाँ मेरा मैं किसी फ्रेंड को किसी को भी नहीं पता मेरा। अच्छा आपको किसी को नहीं पता? छोड़ो आपको नहीं लगता भी, मतलब मैं वहाँ पे बैठा था मेरे को एक पाकिस्तान से बंदा मिला है, मतलब उनको जाना है बेलारूस,
अभी पूछते हैं अभी उनको मतलब बेलारूस में एंट्री मिलेगा कि नहीं रशियन वीज़ा पे एक्चुअली। तो है वो बंदे है पाकिस्तान से, मतलब पहली बार आया रशिया मतलब, और उनको मतलब किसी ने मतलब यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया, मतलब टैक्सी वालों ने वो सब बहुत सारे पैसे ले लिए उनसे थोड़े बहुत, उनको आए हुए यहाँ पे दो तीन दिन ही हुए हैं। मतलब ये सब हर सिटीज कंट्रीज पर चलता रहता है, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बहुत बुरा लगता है सुन के। भाई उनको जाना था बेलारूस एक्चुअली, बट उनको बेलारूस में शायद से एंट्री मिलेगा क्या पता नहीं, मुझे भी कंफर्म मिल सकता है एक्चुअली, बट ट्रेन से तो उनको मना कर दिया। और फिर अभी वो शायद से घूमेंगे यहाँ पे मॉस्को सिटी में, कुछ डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उनको मैं बोला कि मॉस्को सिटी घूम लो आप, यहाँ पे आने के बाद कुछ भी टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, मतलब सब आपको अगर रशियन नहीं आती तो फिर यहाँ पे सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मतलब बैठने को जगह भी है, पीछे यहाँ पे बैठने को जगह है, और मतलब वहाँ पे गेस्ट मतलब वहाँ पे सीटिंग एरिया भी है, मतलब सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और पीछे बोर्ड भी है, अब सारा कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रशियन में भी लिखा हुआ है। और अगर आपको रशियन नहीं आती तो फिर आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और किसी को भी पूछ सकते हो, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे हर कोने कोने पे है, मतलब हेल्प करने को, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि बहुत लोग टेंशन लेते हैं, अभी जो आदमी मिला था पाकिस्तान से वो खुद अभी यहाँ से टैक्सी बुक करके गया कोई हॉस्टल में, उनको बोला कि बस ले लो, उनको पता नहीं था इसलिए वो वापस टैक्सी लेके गए। टाइम है एक्चुअली एक घंटा और अभी आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर फाइव है वहाँ पर उस तरफ, मैं एक्चुअली 7 पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठने को जगह है, वहाँ पे शायद पता नहीं है कि नहीं, देखते वहाँ जाता हूँ थोड़ा आधा घंटे में, अभी तक तो मैं यहीं पे हूँ। जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, मेरा ट्रेन वहाँ पे आने वाला है आधे घंटे में, फिर सोचा कि वहाँ जाके थोड़ा वेट कर लूँ, फिर ट्रेन थोड़ा जल्दी भी आता है कभी कभी 10-15 मिनट, पता नहीं कितने टाइम रुकने वाला है ये ट्रेन यहाँ पे, शायद 5-10 मिनट रुकेगा उसके बाद निकल जाएगा, फिर ट्रेन में जाते हैं अभी। लास्ट उसका था काका है बगन इधर ट्रेन था। ये ट्रेन अभी आधे घंटे जल्दी आ गया, अभी हम मैं लाइन में खड़ा हूँ वहाँ पे एंटर करना है, थर्ड नंबर है मेरा, मतलब थर्ड नंबर का क्या बोल सकते हो, थर्ड नंबर का मतलब कार है मेरा, थर्ड नंबर से एंट्री है, और मेरा सीट नंबर है एक्चुअली 26, देखते पासपोर्ट चेक हो रहा आगे। और अभी मैं आ गया हूँ, जो भी सामान रखना ऊपर, ये मेरा सीट है शायद से 26 नंबर का बाहर वाला।
А куда это деть? Посадка окончена, поезд отправляется. Следующая остановка – город-герой Смоленск. अभी आ गया हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ। अभी अभी मेरे को जाना है, मेरे हॉस्टल यहाँ से दूर है मेरा, कुछ आधा घंटा पे दूर है। एक अभी बस आएगी वहाँ से जाएंगे हॉस्टल अभी। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र था ये ट्रेन से भी, मतलब ट्रेन से पता नहीं कितनी बहुत जल्दी पहुँच गया मैं यहाँ पे। और मतलब ट्रेन में मैं रिकॉर्ड किया था, मतलब एक दो लोगों को प्रॉब्लम था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब। तो आप मतलब उनसे पूछते करो, मतलब उनको रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, उनको लगा मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मतलब आप जब भी ब्लॉगिंग करो मतलब इसका ध्यान रखो, मतलब कुछ लोगों को मतलब ऐसा ऑफेंड हो सकते हैं वो लोग कि आप ब्लॉग मतलब ऐसा उनको लगेगा कि उनको आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है ऐसा। हाँ और क्या, अभी हॉस्टल जाएंगे, थोड़ा अभी रेस्ट करेंगे, बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, देखते बस कब आता है। मैंने वहाँ से बस पकड़ा, मतलब रेलवे स्टेशन से, बस का नंबर है 41N, मतलब बहुत ही करीब पास में है बस स्टॉप मेरा। बस बैग गिर गया होगा आगे से, बहुत ही रफ माशूल का, मतलब ये बहुत ही ऐसे ही मतलब है, मतलब सीट मतलब बहुत छोटे हैं यहाँ पे, बैग भी रखने को मतलब गिर गया वहाँ से। और मतलब बस में कोई भी नहीं है अभी, मतलब एक ही आदमी है पीछे बैठा है वो, शायद से अब भी आया हो, पूरा खाली बस है। शाम के बज रहे 8 शायद से अभी, हाँ 8 ही बज रहे, टाइम जोन चेंज हो गया इसलिए मैं भूल गया वापस साइबेरिया में था ना मैं। तो अभी मैं आ गया हूँ, मतलब मेरे को वो जो बस थी उन्होंने मतलब यहाँ पे ही छोड़ा डायरेक्ट मेरे हॉस्टल के सामने, मेरे पीछे हॉस्टल है मेरा, सब सामान अपना हॉस्टल में रख दिया हूँ। हॉस्टल में अभी है नहीं कोई शायद से, मतलब सारे स्टूडेंट्स अभी वेकेशंस पे हैं। अभी वैसे 1 अगस्त ही आज, मतलब स्टूडेंट्स आएंगे वापस अराउंड 15-20 डेज़ के बाद ही। अभी कुछ जाता हूँ शॉप में, कुछ सामान वामान खरीदता हूँ, फिर कुछ खाने का देखता हूँ आज के